अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी में कफिल या कंपनी से भागे हुए हैं, या आप लोगों के ऊपर हुड़ुप लगा है या आप लोगों के ऊपर हुड़ुप नहीं लगा है, अगर आपको अपने देश वापस जाना है तो हुड़ुप को किस तरह से कैंसिल किया जाता है, और जैसे कि आपको भी मालूम है कि जो इस वक्त हुड़ुप का सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया गया और हुड़ुप के जगह एक इंतकाब और दूसरा तलब का ऑप्शन आया, ये किस तरह से काम करता है। अगर आप लोगों ने जवाजात से या इंडियन एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगवा लिया और किसी भी कारण अपने देश नहीं जा पाए, वो एक्सपायर हो गया, तो इस केस में आपको क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें। अगर इस चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को एक अभी से लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुड़ुप के बारे में। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम करते हैं और काम करते हुए अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है या किसी की भी बहकावे में आप आते हैं तो आप वहां से भाग जाते हैं, और जब भी आप भागते हैं कहीं भी जाकर के आप कोई भी गलत काम करते हैं तो इसका जिम्मेवार आपका स्पॉन्सर होगा, तो वो अपने सर से जिम्मेवारी को ख़त्म करने के लिए तो वो आपके ऊपर हुड़ुप लगाएगा। हुड़ुप लगाने के लिए वो ऑनलाइन अपने अफसर आईडी से भी लगा सकता है और जवाजात में भी जा करके इसे अप्लाई कर सकता है, और ऑनलाइन अगर वो इस वक्त अपने अफसर आईडी से लगाना चाहे तो हुड़ुप नहीं लगता, हुड़ुप का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। हुड़ुप के जगह एक तलब का ऑप्शन आता है, दूसरा इंतकाब का ऑप्शन आता है। जो इंतकाब होता है उसमें आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन के अंदर अंदर आप कहीं भी कफाला ले सकते हैं या आप फाइनल एग्जिट एम्बेसी या मकतब आमल के जरिए जा सकते हैं। अगर वो इंतकाब लगा देता है तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मकतब आमल या एम्बेसी जाते हैं तो एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। अगर वो आपके ऊपर कोई भी हुरूप या कोई भी इंतकाब नहीं लगाता है तो फिर जो उसका प्रोसेस है फिर वो दूसरा प्रोसेस हो जाता है। जो इसमें जो तलब का ऑप्शन होता है, अगर वो आप तलब कर देता है, तलब में ये होता है कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया, मुझे यही बंदा चाहिए, तो इस केस में भी आप कहीं भी कफाला नहीं ले सकते हैं। और जब भी आपको अपने देश जाना होगा तो पहले आपको अपने कफिल के संपर्क में आना होगा, उनसे बात करना होगा। अगर आपका स्पॉन्सर जो भी कफिल या कंपनी है अगर वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ आपको लेबर कोर्ट में केस दर्ज करना होगा, उसके बाद उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, फिर जाके फैसला होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। दूसरा होता है ब्लॉक ग्रुप। ब्लॉक ग्रुप वो होता है जो सफरी पाबंदी, कि आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, किसी भी कारण अगर आपकी बनाव नहीं होता है या आप वहां से भाग जाते हैं कोई ऐसा जुर्म करके, तो वो आपके ऊपर ब्लॉक ग्रुप लगा देता है। ब्लॉक ग्रुप लगाने का भी एक रीजन होता है कि ये मेरे घर से 1,00,000 रियाल या 50,000 रियाल लेकर के भागा है, तो इस केस में ब्लॉक ग्रुप लगता है, कोई भी ऐसा चीज दिखाना होता है। अगर आप लोगों के ऊपर भी ब्लॉक ग्रुप लग गया है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मालूम नहीं है कि जिनके ऊपर ब्लॉक ग्रुप लग गया वो आराम से बैठे हैं। अगर आप लोगों के ऊपर हुड़ुप या ब्लॉक ग्रुप कोई भी लगाता है तो आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप अपने स्पॉन्सर के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस दर्ज करें, वो लेबर कोर्ट में पेश होगा और आप भी पेश होंगे, और उसके बाद उसे सबूत पेश करना होगा। बगैर सबूत का कुछ नहीं होता है, ब्लॉक ग्रुप लगाना आसान है, वो आपके ऊपर लगा सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों के ऊपर ब्लॉक ग्रुप लगा हुआ है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर के अपने स्पॉन्सर के खिलाफ केस दर्ज करें, उसके बाद ही ये ब्लॉक ग्रुप आपका हट सकता है। ना अगर आप पुलिस में भी पकड़वा के जाना चाहते हैं तो पुलिस वाले भी आपको पकड़ के 24 घंटे रख करके फिंगर के बाद आपको वो छोड़ देगा, वो भी आपको यहां से डिपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा संगीन मामला हो तो इस केस में आपको यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इनमें आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेरे ऊपर पुराना हुड़ुप लगा है, मैं क्या करूं। अगर आप लोगों के ऊपर पुराना हुड़ुप लगा है तो आपको इंडियन एम्बेसी या मकतब अमल में जाकर के आपको अपडेट कराना होगा और आपको फाइल तैयार करके सबमिट करना होगा। जब भी आप मकतब अमल जाते हैं या आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी के बाहर काफ़ी सारी दुकानें लाइन से बनी हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो ऑनलाइन आपका फॉर्म भर देगा, 30 से 40 रियाल लेगा और आपको टोकन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। उसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर केस कौन सा है तो उसके ऊपर वो काम किया जाता है। अगर आप लोगों के ऊपर हुड़ुप नहीं है या आपका कुछ भी नहीं, अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपका कफिल या स्पॉन्सर फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है, आपको 2 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इस केस में आप मकतब अमल में जा करके आप शिकायत कर सकते हैं और आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा। इनमें आप लोगों का कुछ कफाला का भी बात होता है कि मैं कफाला ले सकता हूं, तो कफाला आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। अब उसमें भी जो आपका स्पॉन्सर होता है उसका एक रजामंदी होना चाहिए,
और हुरूब को खैर ख़त्म करके ये इंतकाफ ये तलब का सिस्टम कर दिया है, क्योंकि इन लोगों इनके ऊपर आप लोगों के बहुत से सवाल था कि मैं कफीलिया कंपनी से हाल ही फिलहाल में 10 दिन पहले भागा हूँ, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। नहीं जाना चाहते तो वो स्पॉन्सर के ऊपर है, वो आपके ऊपर इंतकाफ भी कर सकता है या तलब भी डाल सकता है। और इसको चेक करने के लिए आप लोग खुद से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मेरे पर हुरूब लगा, एब्सेंट फ्रॉम वर्क है या कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू वर्क है। डिसकंटिन्यू वर्क के मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, ये मेरे पास काम नहीं कर रहा है। एब्सेंट फ्रॉम वर्क का मतलब होता है कि मेरे इनके ऊपर मतलब आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है। जिन्होंने अपना फाइनल एग्जिट ले लिया था, चाहे वो जवाजाज से हो या मकतब आमल से हो या चाहे वो इंडियन एम्बेसी से हो, अगर वो किसी कारण नहीं जाता, उसका एक्सपायर हो जाता है, तो इसके लिए उसे फिर से दोबारा प्रोसेस करना होगा। जिस जहां से भी आप जाके एग्जिट लिए थे आप वहां पे जाएंगे, जाने के बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपको वेट करना होगा। जो आपका पुराना एग्जिट है उसे कैंसिल किया जाएगा और नया एग्जिट फिर से लगाया जाएगा। हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और ज़्यादा आपको परेशान भी होना पड़ेगा। तो सऊदी इकामा में हुरूब को लेकर आप लोगों के बहुत से सवाल था कि पुराना हुरूब है या नया हुरूब है, क्या मैं स्पॉन्सर मेरे ऊपर हुरूब लगा सकता है नहीं लगा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में बात किया हूँ। अगर आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।